विद्यार्थियों आज हम सीखेंगे कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 14.1 सरल समीकरण। इसमें है समीकरण हल कीजिए। सवाल नंबर पहला है 2x + 1 = 9। हमें इसका हल करना है। अब हमें यहाँ समीकरण लिखना है 2x + 1 = 9। समीकरण लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे चर कौन सा है इसमें, x। ये आपके चर वाला पद है और ये दोनों अचर वाले पद है। हमें चर वाले पद से अचर वाले पदों को अलग करना है। तो हम अगले स्टेप में जाएंगे, 2x = 1 को उधर अलग करेंगे तो आपके 9, ये पक्षांतर करने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस का 1। 2x = 9 में से 1 घटाएंगे, बचा 8। अब हम 2 को भी पक्षांतर करेंगे, x बचेगा इधर, यहाँ 8 और ये x के साथ 2 का गुणा है, इधर भाग में चला जाएगा 8/2। अब हम 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 × 8। x का मान कितना आया, x = 4। ये आपके x का मान 4 है। अब हम यहाँ उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच समीकरण लिखेंगे 2x + 1 = 9। हमें x का मान 4 रखना है, 2 × 4 + 1 = 9। 4 × 8 + 1 = 9। 8 और 1 जोड़ा कितना हुआ, 9 = 9। दोनों बराबर आया। इसका तात्पर्य ये है कि x का मान इस समीकरण में जो आया वो 4 सही है। अब हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर दूसरा करेंगे। सवाल नंबर 2, 5x - 4 = 26। इसका भी हल करेंगे हम, 5x - 4 = 26। ये चर वाला पद और ये दोनों अचर वाले पद, इसे हम पक्षांतर करेंगे। 5x = 26, ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। 5x 26 में 4 जोड़ेंगे, हो गया 30। अब हम 5 को पक्षांतर करेंगे, 30/5 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x का गुणा है, उधर भाग में चला जाएगा। 5 का भाग हम 30 में देंगे, 5 × 6 = 30। x का मान कितना आया, 6। तो इसका भी हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच, 5x - 4 = 26। x की जगह हम 6 रखेंगे, 5 × 6 - 4 = 26। 5 × 30 - 4 = 26। 30 में से 4 घटाएंगे, कितना आया, 26/26। दोनों बराबर आया, अतः इस समीकरण में x का मान 6 वो सही है। समीकरण नंबर तीसरा करेंगे। सवाल नंबर 3, 5x - 2x + 7 = 31। इसका हम हल करेंगे, 5x - 2x + 7 = 31। अब हम देखेंगे यहाँ ये भी चर वाला पद है, ये भी चर वाला पद है, दोनों समान है। तो अब हम 7 को उधर पक्षांतर करेंगे, 5x - 2x = 31 - 7। 5x और -2x, ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 2x है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 3x = 31 में से 7 घटाएंगे, बचा 24। अब हम 3 को पक्षांतर करेंगे, 24/3 हो जाएगा। 3 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार जा रहा है,
तीनोटा 24, 8, x का मान कितना आया 8। अब हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच 5x माइनस 2x प्लस 7 बराबर 31। x की जगह में 8 रखना है, 5 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 7 बराबर 31, 8 पंजे 40 माइनस 8 दुनी 16 प्लस 7 बराबर 31। ये प्लस का 40 प्लस का 7 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 47, और ये माइनस का 16 बराबर 31। 47 में से 16 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 47 में से 16, 7 में से 6 घटाएंगे बचा 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो बचा 3, कितना आया 31 बराबर 31। दोनों बराबर आए तो x बराबर 8 इस समीकरण में इसका मान सही है। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4, 5x प्लस 8 बराबर 12 प्लस 6। यहां हमारे चर वाला पद 5x और ये तीनों अचर वाले पद हैं, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 8 बराबर 12 प्लस 6। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 12 और 6 कितना हो रहा है 5x प्लस 8 बराबर 12 और 6 छोड़ा कितना हुआ 18। और अब हम 8 को पक्षांतर कर देंगे, 5x बराबर 18 ये उधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, 5x बराबर 18 में से 8 घटाएंगे बचा 10। अब x बराबर क्या बचेगा 10 बटा 5, 5 अब 10 में देंगे 5 दुनी 10 2, x का मान कितना आया 2। अब हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, x का मान 2 है तो 5x प्लस 8 बराबर 12 प्लस 6, x की जगह हम 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 12 प्लस 6, 5 दुनी 10 प्लस 8 बराबर 12 और 6 जोड़ा कितना हुआ 18, 10 में 8 जोड़ा कितना हुआ 18 बराबर 18, दोनों बराबर आए x बराबर 2 सही है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, 12x प्लस 3x, 12x प्लस 3x बराबर 60। यहां ये दोनों चर वाले पद है x x वाले और ये 60 अचर पद है, हम इसका हल करेंगे 12x प्लस 3x बराबर 60, 12x प्लस के 3x भी प्लस के तो कितने हो जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और पीछे चर x लग जाएगा बराबर 60। अब x बराबर क्या हो 60 बटा हुआ 15, 15 का भाग अपन 60 में देंगे, 15 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 15 चौके 60, x बराबर कितना आया 4। तो हम यहां उत्तर की जांच बारह एक्स प्लस 3x बराबर 60, x की जगह में 4 रखना है, 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 बराबर 60, 12 चौके 48 प्लस 4 12,
बराबर 60, 48 और 12 जोड़ेंगे कितना हुआ 60 बराबर 60, दोनों बराबर है अतः x बराबर 4 सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, 7x/9 बराबर 21। अब ये आपके 7x चर ये नीचे बटा 9 बराबर 21 है, हम लिखेंगे 7x/9 बराबर 21। अब हम इसे 9 को पक्षांतर करेंगे, 7x यहां बराबर 21, 9 बटे में है, यहां हो जाएगा आपके इनटू में, 7x बराबर 21 का गुणा अपन 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 189। अब हम x बराबर 7 को पक्षांतर करेंगे, 189 बटा 7, अब हम 7 का भाग इसमें देंगे, 189 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दुनी 14 बचा 4 उतारा यहां से 9, 7 × 7 = 49 कितना आया 27। एक्स का मान कितना आया यहां पे 27, ये इसका आंसर हुआ। अब हम यहां उत्तर की जांच कर सकते हैं, उत्तर की जांच करेंगे 7x/9 बराबर 21, अब यहां एक्स की जगह हम 27 रखेंगे तो 7 × 27/9 बराबर 21, 27 का गुणा हम 7 से करेंगे, 7 × 7 = 49 हासिल लगा 4, 7 × 14 14 × 4 189, 189/9 बराबर 21। अब 9 का भाग 189 में देंगे, 9 × 2 = 18 बचा कुछ नहीं, 9 × 9 कितना आया 21 बराबर 21, अतः x बराबर 27, इसका तात्पर्य ये मान सही है।